हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन न्यू गुरुकुल स्टडी चैनल। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ साइंस का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। स्टूडेंट, इस चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा कि केमिकल रिएक्शंस किस को बोलते हैं, किस चेंज को केमिकल चेंज बोलते हैं, और किसी भी रिएक्शंस को लिखने का, ठीक है, किस तरह का मेथड होता है, किस तरह से हम किसी केमिकल रिएक्शंस को केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, लिखते हैं। और इस चैप्टर में और भी हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से एक केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस किया जाता है। सेकंड, इसमें आगे हम पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप्स की होती हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों को हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। और लास्ट में इस चैप्टर के हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले फर्स्ट आपका टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो साथ साथ आप जो भी आप समझ रहे हैं, जो आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है, साथ साथ आप इनसे अपने नोट मेकिंग कर सकते हैं, ठीक है, अपने नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। जैसे 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 आपको बताया जाएगा, जैसे जैसे समझाया जाएगा चैप्टर में, वैसे वैसे आप अपने इस चैप्टर के नोट्स भी बनाते साथ साथ चलें। ओके स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले फर्स्ट डेफिनेशन है हमारी केमिकल रिएक्शन। ओके स्टूडेंट, केमिकल रिएक्शन आप पॉइंट कर लेंगे अपनी कॉपी में, और यहाँ से समझ करके आप उसको अपने नोट मेकिंग्स में साथ साथ करते चलेंगे हर एक टॉपिक को कवर। तो चलिए पढ़ते हैं फर्स्ट क्या है केमिकल रिएक्शन। द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस। तो ये स्टूडेंट क्या है केमिकल रिएक्शन, इसको मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता दे रहा हूँ, ठीक है। वो प्रोसेस जिसमें नए सब्सटेंस बनते हैं न्यू प्रॉपर्टीज के साथ में, और ये जो प्रोसेस, जो न्यू सब्सटेंस बनते हैं, वो किससे बनते हैं, दो या दो से ज़्यादा, यानी कि दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को मिलाने के बाद बनते हैं, ठीक है। ऐसी प्रोसेस को, ऐसी रिएक्शन को हम केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ा हुआ है कि केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज क्या होते हैं, ठीक है। केमिकल चेंज क्या है, चेंज विच इज नॉट रिवर्सिबल, वो चेंज जो रिवर्सिबल नहीं हो सकते हों, वो क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस होते हैं। और वो चेंज जो रिवर्सिबल हो सकते हैं, वो क्या होंगे, वो आपका फिजिकल चेंज होंगे, ठीक है। जैसे कि वाटर को वेपराइज करते हैं, तो वो वेपर में कन्वर्ट होने के बाद उसको हम कंडेंस करें तो वापस वाटर फॉर्म में आ जाया करता है। तो ये क्या है, वाटर कन्वर्ट हुआ स्टीम में और वेपर में, और वो वापस किस में, वापस यदि इसको कंडेंस कर दिया जाए तो वो वापस वाटर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाया करता है। तो इस तरह के प्रोसेस, इस तरह के चेंज को हम फिजिकल चेंज बोलते हैं स्टूडेंट। अब केमिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज वो चेंजेस होते हैं जिसमें रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं अकर्स होता हो, ठीक है, नहीं होता हो रिवर्सिबल प्रोसेस, उसको हम केमिकल चेंजेस बोलते हैं। जैसे कि यदि आप दूध से, मिल्क से कर्ड को बनाना चाह रहे हैं, मिल्क को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं कर्ड में, तो उसमें लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया जो होता है, उसको आप यदि हल्का सा भी एक बार उसमें टच में लेके आएंगे तो मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू कर्ड एंड कैन नॉट बी रिवर्सिबल। ओके, दही से वापस आप मिल्क को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे चेंजेस को हम केमिकल चेंज बोलते हैं। ये आपको सही से समझ में आ गया होगा, दोबारा एक बार मैं आपको फिर बता दूं। द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज, इसलिए यहाँ बताया गया है कि न्यू प्रॉपर्टीज के साथ में जो सब्सटेंस बनता है, वन और मोर सब्सटेंस के साथ में, उस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस में ये कार्य काम होता है, उस प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो ये आप केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल्स हैं केमिकल रिएक्शंस के, ठीक है, आप यहां से नोट कर सकते हैं केमिकल रिएक्शंस के एग्जांपल्स को। अंडरस्टैंड यू? तो
क्या क्या एग्जांपल्स हैं? फर्स्ट है डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन बिल्कुल केमिकल प्रोसेस है, इसमें आप क्या समझते हैं, समझ सकते हैं इसको आप, इसमें आप इनहेलिंग करते हैं, इनहेल करते हो ऑक्सीजन को, ठीक है, डेट इज़ कन्वर्टेड इनटू सी ओ टू आफ्टर द कंप्लीट रेस्पिरेशन, ठीक है, और ये जब आप एक्सहेल करते हो तो क्या निकलता है, CO2 निकलता है, तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो क्या है, केमिकल प्रोसेस है, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल प्रोसेस है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम अरिबन केमिकल प्रोसेस है, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड जो कि हमने अभी एग्जांपल में लिया था, ये सब क्या है, केमिकल प्रोसेस है। तो स्टूडेंट इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो हमने केमिकल रिएक्शंस की डेफिनेशन में नोट किया था कि वन और मोर सब्सटेंस इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, तो उन सब्सटेंसेस को जो इनमें इन्वॉल्व होते हैं उनको क्या बोला जाता है और जो बन के आता है उसको क्या बोला जाता है, तो ये दो वर्ड हमारे पास टर्मोलॉजी में है, ठीक है। फर्स्ट है रिएक्टेंट्स, तो आप पॉइंट करेंगे रिएक्टेंट्स और उसकी डेफिनेशन नोट करेंगे यहाँ से जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है, रिएक्टेंट्स डाल के आप उसको एक्सप्लेन करेंगे, तो वो सब्सटेंस, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट, जो टेक पार्ट करता है, जिसको आप इन्वॉल्व कर रहे हो, जो आप सब्सटेंस ले रहे हो किसी भी केमिकल रिएक्शंस को कराने के लिए, वो उसका क्या होगा, रिएक्टेंट होगा। सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता दूं, तो यदि आप मिल्क को कन्वर्ट करना चाह रहे हो कर्ड में, तो मिल्क क्या है इसमें, रिएक्टेंट है, ओके, और कर्ड क्या होगा, जो मिलेगा बनेगा, ठीक है, उसको हम प्रोडक्ट कहेंगे, ठीक है, तो प्रोडक्ट की डेफिनेशन आप लिख लेंगे, द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन ए केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स, ओके, ये दो टर्म्स आप नोट कर लेंगे, ठीक है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें क्या क्या चेंजेस हम देख सकते हैं, तो चेंज इन स्टेट, ठीक है, उसमें स्टेट चेंज देख सकते हैं, ठीक है, कोई एक सब्सटेंस दूसरे स्टेट में चेंज कर सकता है, ठीक है, उसमें सब्सटेंस का कलर चेंज देख सकते हैं, टेम्परेचर में चेंजेस देख सकते हैं, ठीक है, और इवोल्यूशन ऑफ गैस को देख सकते हैं, तो ये वो चेंजेस हैं जो आप किसी भी केमिकल रिएक्शंस में देख सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि किसी भी रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शंस को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है आपको, ठीक है, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास दो मेथड होते हैं, ठीक है, देयर आर टू मेथड्स टू रिप्रेजेंट ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है आपका, इसमें हम बोलते हैं इसको वर्ड इक्वेशन, ठीक है, क्या बोलते हैं, फर्स्ट है वर्ड इक्वेशन मेथड, सेकंड मेथड है केमिकल इक्वेशन मेथड, ठीक है, कि जिस केमिकल रिएक्शंस को आप ले रहे हैं उसमें यदि जो जो सब्सटेंस है उसको यदि आप वर्ड की फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है, उसके सब्सटेंसेस को वर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं, तो उस रिएक्शंस को, उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, वर्ड इक्वेशन मेथड, वर्ड इक्वेशन बोलते हैं, और यदि उसके सिंबल से उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो होता है केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो ये दो मेथड आप समझ लें, ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे कि इसमें एक एग्जांपल गिवन है कि जिंक की हमने रिएक्शन कराई है किसके साथ में, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, ठीक है, किसके साथ कराई है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन कराई है, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड और ये जिंक, ठीक है, रिएक्ट करके दे रहा है आपको जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन, ठीक है, ये दो आपको क्या मिल रहे हैं, ये जो दो मिले हैं ये हैं आपके प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये प्रोडक्ट हैं और ये क्या थे, ये हैं आपके रिएक्टेंट, ठीक है, हमने पढ़ के आए पीछे से कि क्या जो टेक पार्ट करता है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, जो फॉर्म्ड होता है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। इस रिएक्शन को, ठीक है, इस रिएक्शन को जो वर्ड इक्वेशन है इसको सिंबल्स में यदि हम रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, केमिकल इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। तो ये जिंक को हमने Zn से रिप्रेजेंट कराया, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4 लिखा हमने, और जो बना है जिंक सल्फेट इसका फॉर्मूला है ZnSO4, एंड हाइड्रोजन जो निकला है इसका फॉर्मूला है H2। तो ये रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाएगा, ये रिप्रेजेंटेशन कहलाएगा केमिकल इक्वेशन। ये आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि, चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट केमिकल इक्वेशन को एक्सप्रेस करने के लिए जो रूल्स हैं वो आपके सामने हैं, ठीक है, इन रूल्स को आप समझ लें कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को एक्सप्रेस किस तरह से किया जाता है।
तो केमिकल इक्वेशन होता क्या है आप समझते चलें, ए केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन क्या है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को जो रिप्रेजेंट करने का मेथड है वो क्या है, वो केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, अब इसमें क्या, इट इन्वॉल्व्स यूजेस ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, और केमिकल फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट। ठीक है, कि जो जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है उसके सिंबल से या उसके केमिकल फॉर्मूला से उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि इसमें इन्वॉल्व्स रहते हैं किसमें, केमिकल इक्वेशन में, कौन, कि जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है उसका सिंबल या उसका केमिकल फॉर्मूला, और साथ साथ क्या है, और साथ साथ ये भी होता है कि उस प्रोडक्ट रिएक्टेंट प्रोडक्ट को हम फिजिकल स्टेट के साथ भी उसको लिखते हैं कि वो प्रोडक्ट या रिएक्टेंट जो सब्सटेंसेस है वो सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है या गैस स्टेट में है। तो ये सबसे पहले फर्स्ट रूल है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर टू क्या बताया है, द नेसेसरी कंडीशंस सच एज टेम्परेचर प्रेशर और एनी कैटलिस्ट शुड बी रिटन ऑन एरो बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, कि जो ये एरो हम लगाते हैं, ठीक है, जो नेसेसरी कंडीशन है वो टेम्परेचर की हो, वो प्रेशर की हो, या कोई कैटलिस्ट उस रिएक्शन में यूज हुआ हो, तो उसको हम क्या करते हैं, इस एरो के ऊपर लिखते हैं। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना होता है, जैसे ये केमिकल रिएक्शन दी हुई है, यदि इसमें कोई टेम्परेचर प्रेशर या कैटलिस्ट की कंडीशन है तो उसे हम इस एरो के ऊपर लिख के उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये है सेकंड रूल जो आपने समझना है। ठीक है, थर्ड रूल क्या है, थर्ड रूल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या है कि मास कंजर्व रहता है इन होल रिएक्शन, पूरी रिएक्शन कंप्लीट रिएक्शन में मास जो है वो कंजर्व रहता है, यानी कि रिएक्टेंट का जो मास इन्वॉल्व किया हुआ था उस रिएक्शन में, वो प्रोडक्ट जो फॉर्मेशन हुआ है उसके मास के इक्वल होना चाहिए, इक्वल होगा। ठीक है, डेट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, यानी कि क्या बोला है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, मास जो है रिएक्टेंट का वो ही मास प्रोडक्ट का होना चाहिए, यदि कुछ हार्समेंट हुआ है तो वो हार्समेंट जरूर कहीं ना कहीं एनर्जी कन्वर्जन में हुआ होगा, ये भी ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो ये सेकंड थर्ड रूल है। फोर्थ रूल में आप जाएंगे, इसमें ये बताया गया है, तो इसमें जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हम फॉलो करेंगे तो इसके बिहेव पे क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्व्ड इन ए केमिकल रिएक्शन शुड रिमेन सेम एट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। कि क्या बोला है आपको, इसमें बताया गया है आपको कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसके केमिकल रिएक्शन में, किसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स, रिएक्टेंट्स के एंड प्रोडक्ट्स के। ठीक है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो सेम होने चाहिए, जैसे कि इस रिएक्शन में यहाँ Mg कितना है, Mg का नंबर ऑफ एलिमेंट है 1। ठीक है, एटम का नंबर्स कितने हैं, 1 एटम नंबर है इसमें, और इधर Mg जो प्रोडक्ट बना है MgO, उसमें Mg की नंबरिंग कितनी है, 1 ही है। ठीक है, और इधर O2 है, ठीक है, ये बैलेंस रिएक्शन नहीं है। ठीक है, सॉरी, क्योंकि ये रिएक्शंस बैलेंस नहीं है तो इसको हम छोड़ देते हैं, आगे हम बैलेंस रिएक्शन करना सीखेंगे। ठीक है, इसको अभी छोड़ दीजिए आप, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होना चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। ठीक है, नेक्स्ट इसके टॉपिक में चलते हैं हम। अब हमने सीखना है बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। ठीक है, किसी भी इक्वेशन को बैलेंस किस तरह किया जाता है, तो हमने इसमें सिंपल सी बात है, हमने पढ़ लिया है कि क्या पहले किसी भी केमिकल इक्वेशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हमने यूज़ करना होता है, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विल बी सेम। ठीक है, वो इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो ये मेंटेलिटी हमें रखनी होती है, और उसमें क्या करना होता है, किस तरीके से उसको किया जाता है उसको हमने यहाँ समझना है। ठीक है, चलिए
तो इसको जो बैलेंस करने का जो रूल होता है उसको हिट एंड ट्रायल रूल बोलते हैं। क्या करना होता है कि जो आपको अनबैलेंस इक्वेशन दी गई होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपको एक अनबैलेंस इक्वेशन दी गई है, तो इसमें आपको बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, आपको नंबरिंग करनी, नंबर चेक करने पड़ेंगे किसके, एलिमेंट्स के, एटम्स के नंबर चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, वो जिधर भी अन सेम नहीं है उसको सेम करके, ठीक है, आप चेक करते जाएंगे। और इसे हम कह रहे हैं इसलिए हिट एंड ट्रायल, पहले आप लिखेंगे फिर उसको मैच करेंगे कि नंबर सेम हुआ नहीं, वो दूसरे का नंबर सेम करेंगे, इस तरह से इसको चेक करते हुए चलते भी हैं साथ साथ। तो इसलिए इस रूल को हम हिट एंड ट्रायल रूल बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको समझने के लिए। सबसे पहले हमें इसमें गिवन है क्या, तो स्टेप फर्स्ट में आपने क्या करना होता है कि राइट ए केमिकल इक्वेशन एंड ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला। ठीक है, आप सीधे सीधे क्या है कि जो केमिकल इक्वेशन आपको गिवन है उसको इस फॉर्म में आप लिख लेंगे। ठीक है, स्टेप नंबर टू में चलेंगे। क्या करना है आपको, स्टेप नंबर टू में काउंट द नंबर ऑफ एटम्स, काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द केमिकल इक्वेशन। कैसे करना है आपने, जैसे जैसे इस गिवन इक्वेशन में Fe है, Fe का जो नंबर है कि ठीक है एलिमेंट नंबर कितना है, ठीक है इसके नंबर ऑफ एटम्स कितना है, सिंगल वन है। ठीक है, और दूसरी साइड अपोजिट साइड में एरो के सामने किधर, यहाँ कितना है इसमें, इसके नंबर ऑफ एटम्स कितना है, यहाँ पे थ्री है। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स थ्री है। इधर ऑक्सीजन का कितना है, फोर जीरो वन है, इधर कितना है फोर है, एच का यहाँ टू है, यहाँ पे भी टू है। ठीक है, इस तरीके से आप क्या करेंगे, एक इसको अलग से करके लिख भी सकते हैं क्या। ठीक है, इधर एक आप एक टेबल बना लेंगे एलिमेंट, ठीक है एलिमेंट, ठीक है नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इन किधर लेफ्ट साइड, ठीक है एंड नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड। ठीक है, एलिमेंट आपने लिखा कि जैसे क्या एलिमेंट लिखा आपने Fe, तो उसमें रिएक्टेंट साइड में किधर एफ ई के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, वन है। ठीक है, और नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एफ ई इन इन प्रोडक्ट साइड, तो ये कितना है थ्री है। ठीक है, इस तरह से आप एक टेबल बना लेंगे, इसको हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट पेज में आपको देख पा रहे होंगे आप। ठीक है, इसमें आपको जो पिछली रिएक्शन है उसमें Fe, ठीक है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इसके नंबर ऑफ एटम्स आपको सामने दे दिए गए हैं। ठीक है, ये नंबर ऑफ एटम्स लिख दिए गए हैं किधर किधर, जिधर रिएक्टेंट साइड में कितना है और इधर प्रोडक्ट साइड में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, वो हमने लिख दिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सेकेंड थर्ड स्टेप, सेकेंड स्टेप के बाद थर्ड स्टेप आपने क्या फॉलो करना है, इस स्टेप में आपने नंबर ऑफ एटम्स क्या करने हैं, इक्वल करने हैं। ठीक है, किस तरह से, मल्टीप्लाई करके। ठीक है, उसके सामने मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ नंबर्स की मल्टीप्लाई करके। ठीक है, कैसे करना है जरा देखिए, किसका करना है आपको, जिसकी मैक्सिमम नंबरिंग है। ठीक है, इसमें ये भी ध्यान दें, विच हैज़ मैक्सिमम नंबर, ठीक है उस एलिमेंट के एटम्स को आपको इक्वल करना है। जैसे कि इधर पूरी रिएक्शन को देखेंगे आप, तो सबसे मैक्सिमम नंबर किसका है, फोर है। ठीक है, फोर है किसका है, प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन का। ठीक है, एटम नंबर फोर है, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, फोर है किसके, ऑक्सीजन के प्रोडक्ट साइड में। तो हमने क्या किया, हमने रिएक्टेंट साइड में क्या किया, इस फोर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करा फोर से, तो फोर टू जा एट, हाइड्रोजन भी कितना हो गया, ये हाइड्रोजन एट हो गया, इधर इधर कितना है टू है। ठीक है, Fe इसमें ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, इधर भी फोर है, इधर भी फोर है। अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन को चेक करेंगे कि अभी इधर कितना हो गया, इधर एट हो गया है। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर कितना हो गया एटम्स का, एट हो गया हाइड्रोजन का, तो हम इसको ही बैलेंस करेंगे। ठीक है, जो भी मैक्सिमम होगा उसी को बैलेंस करते हुए चलेंगे आप। तो हमने क्या किया, इस राइट लेफ्ट साइड में तो हाइड्रोजन के नंबर कितना है, एट है, और इधर राइट साइड में हाइड्रोजन का नंबर कितना था, पहले था यहाँ पे टू, तो हमने क्या किया, हमने इस फोर से मल्टीप्लाई कर दिया, फोर टू जाए एट बराबर हो जाएगा, है ना। तो एट इधर, एट ही लेफ्ट साइड में और एट ही इधर राइट साइड में। ठीक है, ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन के एटम्स जो हैं वो इक्वल हो गए हैं। ठीक है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन के एटम्स भी इक्वल हो गए हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब इसमें इधर मैक्सिमम किसका है, ठीक है इधर Fe का कितना है, Fe का थ्री था, इधर कितना था वन था, तो मैक्सिमम थ्री जा रहा है, तो हमने क्या किया, साथ साथ इसमें थ्री से मल्टीप्लाई भी कर दिया, किस में, Fe में। तो इधर ये अब देखें आप, तो सभी नंबर ऑफ
एटम्स एवरी एलिमेंट्स के क्या है, सेम हो गए हैं। एफ ई कितना है इधर, एफ ई इधर 3 है, तो इधर कितना है, इधर भी 3 है। ठीक है, आप इस तरह से चेक करते हुए चलेंगे। हाइड्रोजन का 8 है, इधर भी 8 है। ऑक्सीजन 4 1 4, ठीक है, 4 1 4, ये 4 जा रहा है और इधर ऑलरेडी 4 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से ये इक्वेशन जो है बैलेंस हो जाती है और उस बैलेंस इक्वेशन को हमने इस फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, किसके साथ में लिखा है, फिजिकल स्टेट के साथ में लिखा है। नहीं भी आपको फिजिकल स्टेट आता है तो आप नहीं लिखिए, ठीक है, फिजिकल स्टेट आप छोड़ दीजिए, केवल जो बैलेंस इक्वेशन होके आई है उसको आप लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए, तो स्टूडेंट इस तरह से आपको इक्वेशन बैलेंस करना सीखना है। ठीक है, इसको आप प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है, साथ में एक अटैचमेंट दिया जा रहा है, उससे आप नंबर ऑफ इक्वेशंस में, ठीक है, आप इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, आप तो स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में कि केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट टाइप है रिएक्शंस का कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन वर्ड से ही आपको समझ में आ जाएगा। इन टाइप्स को आप 5 से 6 टाइप्स हैं, इनमें से ज़्यादातर टाइप्स जो हैं आपको वो उनके नाम से ही समझ में आ जाएंगे। ठीक है, जो उनका नाम है उसी से उसका मतलब निकलता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि जोड़ना, मिलाना। ठीक है, तो इसका में ऐसी रिएक्शंस यानी कि जिसमें द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, जो ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन हो जाया करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उस रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपको गिवन है, बर्निंग ऑफ कोल, इसमें कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, ठीक है, कंबशन कराया इसमें, तो क्या हुआ, CO2 मिला है। दो रिएक्टेंट मिले हैं, दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन, जैसे फॉर्मेशन ऑफ वाटर है, ठीक है, दो रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू सिंगल प्रोडक्ट, इस रिएक्शन में भी दो प्रोडक्ट, ठीक है, कन्वर्ट हो जा रहे हैं सिंगल प्रोडक्ट में, तो ऐसे रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। स्टूडेंट्स ध्यान दें आप, ये बहुत सिंपल मेथड से, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको ये नोट्स मेकिंग कराता चल रहा हूँ, आपको एक्सप्लेन करता चल रहा हूँ, साथ साथ आप इसको नोट भी करते चलें तो आपके नोट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, जो एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। आप जब एग्ज़ाम प्रिपरेशन में अपना लास्ट रिव्यू देखेंगे तो बिल्कुल इसमें हल्का सा एक बार आप देखते जाएंगे तो सब कुछ आपको रिवाइज होता चला जाएगा, इस तरह से यदि आप नोट मेकिंग अपना करते हैं। ठीक है, तो साथ साथ आप जो जो आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है तो वो आप क्या है, इसको नोट डाउन अपना कॉपी में नोट मेकिंग करते हुए चलें। इस कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में आगे दो पार्ट हम पढ़ने वाले हैं, एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, थर्मिक का मतलब होता है टेम्परेचर से स्टूडेंट, ठीक है, थर्मिक का मतलब टेम्परेचर से, तो जिसमें एक्सो का मतलब होता है निकलना, रिलीज होना। ठीक है, ऐसी रिएक्शन जिसमें टेम्परेचर यानी कि हीट क्या है, रिलीज होती हो, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी रिलीज हो रही है। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलॉन्ग विद फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप क्या है कि बिना भुजा चूना जो है उसको यदि वाटर के साथ में मिक्स कर दें तो क्या होगा, हीट रिलीज होगी, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर उसमें से बन जाएगा, वो अपने आप बॉईल करना, ऊपर जो सॉल्यूशन है वो अपने आप बॉईल करना शुरू कर देगा और हीट रिलीज होगी उसमें। ठीक है, और फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा उसको आप भुजा हुआ चूना बोलते हैं। तो स्टूडेंट ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन की अंडरटेकिंग आता है। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। अब आगे बढ़ते हैं इसमें, तो स्टूडेंट सेकंड टाइप इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन में सेकंड टाइप है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है, द रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड अलोंग विद फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व करती हो, ठीक है, इवॉल्वनेस होता है हीट का, ठीक है, हीट एब्जॉर्ब होती हो, ठीक है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो उस रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट के बनने के साथ साथ हीट एब्जॉर्ब हो जाए तो उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम,
एंडोथर्मिक रिएक्शन बोल लेंगे। ऐसी रिएक्शन में एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि वो जिस कंटेनर में रिएक्शन हो रही है वो ठंडा हो जाया करता है, यानी कि हीट एब्जॉर्ब हो गई है, ठीक है। और जो एक्सोथर्मिक है उसमें तो टेम्परेचर हीट रिलीज होगी, तो क्या होता है यानी कि एनर्जी हीट रिलीज हो रही है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमने पढ़ा है उसका एग्जांपल हम और गिवन है यहाँ पे, ठीक है। ये दोनों एग्जांपल जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के हैं, ठीक है, आप नोट कर लेंगे। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ठीक है, ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इसमें हीट प्लस प्रोडक्ट के साथ निकल रही है, ठीक है, इसमें हीट निकल रही है, ठीक है। तो दोनों ही एग्जांपल जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेकेंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो अब इसको समझते हैं, डिकम्पोज होना। अब अभी हमने क्या पढ़ा था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब वर्ड से हमें समझ में आ रहा था, इसी तरह डिकम्पोजिशन का मतलब भी आप रिएक्शन का भी वर्ड से ही मीनिंग निकाल सकते हैं। डिकम्पोज होना यानी कि टूटना, एक एक सब्सटेंस का दो एक से ज़्यादा सब्सटेंस में टूट जाना, ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आएगा, ठीक है। तो क्या है समझते हैं, दर रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड स्प्लिट्स इन टू टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेज इज कॉल्ड अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे मैंने आपको बताया कि डिकम्पोजिशन मतलब होता है टूट जाना, ठीक है, स्प्लिट हो जाना, ठीक है। ऐसे ही इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में होता है, ठीक है, क्या कि कोई एक सब्सटेंस, ठीक है, रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके वो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस में डिकम्पोज हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, टूट जाएगा। तो ऐसे रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। अभी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है इसके भी आगे पार्ट्स हैं, ठीक है, हम दो से तीन पार्ट्स इसके पढ़ने वाले हैं, ठीक है, चलिए उनको देखते हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप्स में हम पढ़ रहे हैं हम थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या है कि यदि डिकम्पोजिशन यानी कि स्प्लिटिंग होना किसी भी एक सब्सटेंस का दो सब्सटेंस में वो कब हो, इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, गरम करके उस एक सब्सटेंस को हम क्या करें, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में स्प्लिट कर दें, तो ऐसे डिकम्पोजिशन को हम थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि इस एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं, FeSO4 फेरस सल्फेट को जब हीट किया जाएगा तो वो इन दो तीन सब्सटेंस में ब्रेक कर जाएगा, ठीक है, Fe2O3, SO2 and SO3, ठीक है। ऐसे ही CaCO3 लाइमस्टोन जो है इसको हीट करेंगे तो ये क्या देगा, क्विक लाइम देगा, ठीक है, और CO2 गैस बनाएगा, ठीक है, ये दो सब्सटेंस में स्प्लिट कर जा रहा है। तो ऐसा डिकम्पोजिशन जो किस कब होता है, इज कैरिड आउट बाई हीटिंग, गर्म करने पर होता है, उसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। नेक्स्ट टाइप है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, अब यहाँ इस वर्ड से समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रोलाइटिक यानी कि जब हम इलेक्ट्रिक करंट उसमें से पास करा करके डिकम्पोजिशन करा रहे हों किसी सब्सटेंस का, तो उसको इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन बोला करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाईपासिंग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, डिकम्पोजिशन हो रहा है कब, जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की जा रही है, तो उसको ऐसे डिकम्पोजिशन को इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं। जैसे वाटर को हमने क्या किया, डिकम्पोज किया इलेक्ट्रिक करंट पास करके H2 गैस और ऑक्सीजन गैस में, ठीक है। तो ये एग्जांपल था इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का। इसका एक पार्ट और पढ़ना है हमें, तो नेक्स्ट पार्ट है इसका डिकम्पोजिशन का, वो है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक का मतलब क्या है कि यानी कि जब कोई फोटोन से डिकम्पोजिशन हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं, यानी कि व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, यानी कि सनलाइट, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में यदि डिकम्पोजिशन हो जाए तो ऐसे डिकम्पोजिशन को फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोला करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो आपको ये तीनों डिकम्पोजिशन के जो टाइप्स थे वो भी आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट हम टाइप्स पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन का, ठीक है। तो स्टूडेंट फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है आपके सामने ये, 2AgCl in presence of sunlight it converted decomposes into Ag and Cl2.
इसी तरह AgBr भी डिकम्पोज हो जाता है सनलाइट की प्रेजेंस में, Ag एंड Br2, ठीक है। और एक जनरल अवेयरनेस के लिए आपके पास आपके लिए एक नोट है, आप नोट डाल करके इसको लिख लेंगे, ठीक है। ये है अबाउ रिएक्शन इज यूज्ड इन द ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, ठीक है। इस रिएक्शन को ही हम किस में यूज़ करते हैं, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी जो होती है उसमें यही रिएक्शन यूज़ की जाती है, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन की डेफिनेशन यहाँ हमने पीछे लिख ली है, आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं, ठीक है, मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है इस केमिकल रिएक्शन के टाइप्स का, वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट, अ वर्ड डिस्प्लेसमेंट का वर्ड का मीनिंग क्या होता है, डिस्प्लेस करना यानी कि एक जगह से दूसरी जगह, एक को दूसरी जगह उठा के रखना, ठीक है। तो इसमें हमने पढ़ना है यानी कि क्या ऐसी रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। जब एक लेस रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव एलिमेंट जब किसी एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। जैसे यहाँ पे Fe ने Cu को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया CuSO4 से, और क्या बना दिया, ये आ गया इसकी जगह, ठीक है, डिस्प्लेस कर दिया इसने, क्योंकि Fe क्या है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट है इन कंपेयर ऑफ Cu, ठीक है। इसको हम कैसे समझेंगे, ये हमारी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, उससे वहाँ से पता चलता है कि कौन मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, कौन लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। वो नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो Fe जो है वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, तो वो Cu को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है, और इसलिए यहाँ बन जाएगा FeSO4। Fe केवल Cu की जगह ले लेगा, FeSO4 बन जाएगा और Cu को बाहर निकाल देगा, ठीक है, इस तरह से। तो ऐसी रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं स्टूडेंट, ये आपको क्लियर हो गया होगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का सेकेंड एग्जाम्पल है आपके सामने, ZnSO, जो है वो CuSO4 के साथ रिएक्ट करेगा, तो Cu को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा और ZnSO4 बना देगा और Cu निकल जाए अलग, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन का नेक्स्ट टाइप है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है स्टूडेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको भी हम वर्ड नेम से ही समझ सकते हैं, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट यानी कि जिसमें दो एलिमेंट्स क्या एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देते हो, ठीक है। तो ए रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन टू कंपाउंड्स, ठीक है। इसमें Na2SO4 के साथ रिएक्शन कराई BaCl2 की, तो इसमें BaSO4 और NaCl बन गया है, ठीक है। क्या हुआ है, केवल आयन का एक्सचेंज हुआ है, SO4 Ba के साथ रिएक्ट कर ले रहा है। तो स्टूडेंट इस रिएक्शन में क्या है कि जो ये Na2CO3SO4 है ये ब्रेक करेगा N2Na+ एंड SO4 2- में, एंड ये जो BaCl2 है ये ब्रेक करेगा Ba+ एंड Cl- में, ठीक है। और यहाँ पे इन आयन्स का एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। ये आयन जो Ba के साथ था Cl वाला, वो Na के साथ जाएगा तो बनाएगा NaCl, ओके, ठीक है। और ये Ba वाला इसके साथ रिएक्ट करके ये बनाएगा BaSO4। इस तरह से आयन एक्सचेंज से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ करती है, ठीक है। आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा इन रिएक्शंस के जरिए। चलिए अगली रिएक्शंस टाइप पे चलते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट रिएक्शन का टाइप्स है आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। पहले हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन को समझ लेते हैं। तो इसमें एक ऐसी रिएक्शन, ए रिएक्शन इन विच अब फर्स्ट पॉइंट करके आप लिख सकते हैं, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू रिएक्टेंट, एंड नंबर टू दोनों पॉइंट इन्वॉल्व है इसमें, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए रिएक्टेंट, ठीक है, टेक पार्ट्स, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। समझ लेंगे दोबारे आप कि ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन होता हो रिएक्टेंट्स में, और या ऐसी रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन का रिमूवल होता हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि ये इस एग्जांपल में गिवन है, C+O2, तो क्या हुआ, एडिशन हुआ ऑक्सीजन का CO2, ठीक है।
नीचे इस रिएक्शन में हाइड्रोजन का क्या हुआ है, रिमूवल हुआ है, हाइड्रोजन रिमूव हो गया है यहाँ से। हाइड्रोजन जो था इसने क्या इसके साथ रिएक्ट करके वाटर बना दिया, ठीक है, हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह रिडक्शन रिएक्शन किसे बोलते हैं, ये इसका जस्ट अपोजिट है, ठीक है। तो जैसे हमने इसमें क्या पढ़ा था, एडिशन ऑफ, इस रिएक्शन में हमने पढ़ा था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और लेकिन यहाँ पे क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑफ टू रिएक्टेंट, ठीक है, एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए रिएक्टेंट, ठीक है। दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। तो इस रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू रिएक्टेंट और द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए रिएक्टेंट्स यदि टेक पार्ट कर रहा है तो वो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है, जिसको आप यहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे जैसे CuO जो है, यदि इसको हम रिएक्शन कराएंगे तो CuO में Cu बनेगा प्लस O2 बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा, Cu बनेगा और O2 बनेगा, ठीक है। और ये क्या होगा, यानी कि ऑक्सीजन का क्या हुआ है, इसमें रिमूव हुआ है, ठीक है, ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है, तो इसलिए ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, हम इसको रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। इस एग्जांपल से आप इसको समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट, इस तरह से आपने 6 टाइप्स की रिएक्शंस पढ़ ली हैं, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा इस चैप्टर में। आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ, ठीक है, डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, ये हमें पढ़ना है। तो इसमें फर्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है कर्षण, ठीक है। कर्षण क्या है, आप लास्ट क्लासेज में पढ़ते हुए आए हैं कि जब एक मेटल्स को, व्हेन ए मेटल इज एक्सपोज टू मॉइस्चर एयर एसिड एटसेट्रा, क्या जब किसी एक मेटल को एक्सपोज किया जाता है, ठीक है, छोड़ जाता है मॉइस्चर में, नमी में, या हवा, खुली हवा में, या उसको एसिड के कॉन्टैक्ट में लाया जाता है, तो क्या होता है, किसके लिए, फॉर समटाइम्स, कुछ समय के लिए, तो उसकी लेयर, ए लेयर ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, ठीक है। तो उसकी ऊपरी परत से एक हाइड्रेटेड ऑक्साइड की लेयर जो है वो बन जाया करती है, ठीक है, जो विच मेक्स द मेटल, जो इस मेटल को विच वीकेंस द मेटल, जो इस मेटल को क्या कर देती है, वीकेंस, कमजोर कर देती है, एंड हैंस मेटल इज सेड टू बी कर्डिड, ठीक है। और इस तरह से उस मेटल को क्या बोला जाता है, कहा जाता है कर्डिड बोला जाता है, ठीक है। तो यानी कि क्या है कर्षण, कर्षण एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि किसी मेटल को या तो मॉइस्चर में, एयर में, या एसिड के कांटेक्ट में कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाया करे, तो उसकी ऊपर की एक लेयर जो है वो एक हाइड्रेटेड ऑक्साइड बना दिया करती है, और उससे वो मेटल जो है वो वीक बननी शुरू हो जाती है, वीक होनी शुरू हो जाती है, कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज़ घटने लगती है हार्डनेस की। तो ऐसी मेटल, ऐसी कंडीशन को, ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कर्षण बोलते हैं। ये आप देखते हैं, इसे आयरन में कहें तो इसे क्या बोलते हैं, आयरन में यदि कर्षण हो रहा है तो इसे हम रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कॉपर है, कॉपर पर ग्रीनेस जो लेयर आ जाती है वो कर्षण है, ठीक है। सिल्वर पर ब्लैक, ब्लैक जो ब्लैक लेयर जम जाया करती है वो कर्षण है, ठीक है। इस तरह से ये आप इस मेथड, इस एग्जाम्पल से कर्षण को समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, ठीक है, एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर एग्जांपल ऑफ कर्षण, जो मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। कर्षण कैन बी प्रिवेंटेड बाय गैल्वनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड बाय पुटिंग पेंट्स। तो अब आपको एक क्वेश्चन ये रेज होता है एग्जाम्स में कि ये जो कर्षण है इसको प्रिवेंटिंग मेथड बताइए, ठीक है, प्रिवेंटिंग मेथड बताइए क्या होंगे, ठीक है, गिव्स द प्रिवेंटिंग मेथड, प्रिवेंटिंग मेथड ऑफ कर्षण, ऑफ कर्षण, ये आपने क्वेश्चन नोट करके लिखना है जिसमें आपको ये आंसर्स लिखना है, ठीक है, कि कर्षण को कैन बी प्रिवेंटेड, कर्षण कैन बी प्रिवेंटेड बाय गैल्वनाइजेशन, या तो उसको हम गैल्वनाइज करके, ठीक है, प्रिवेंट कर सकते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग से कर
प्रिवेंट कर सकते हैं, या उस पर पेंट्स लगा करके, ठीक है, या ग्रीस की लेयर चढ़ा करके, ठीक है, उस इन मेथड से हम क्वेश्चन को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। ऑयलिंग सरफेस लगा करके प्रिवेंट कर सकते हैं, ये और दूसरे मेथड्स हैं, इनमें आप चार पांच मेथड आपके हो गए हैं, गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, पुटिंग पेंट्स, ठीक है, अप्लाइंग ग्रीस ऑन द लेयर, ठीक है, एंड अप्लाइंग ऑयल सरफेस, ठीक है, ऑयल ऑन द सरफेस, ठीक है, ये मेथड्स हैं क्वेश्चन को प्रिवेंट करने के, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन, जो है डेली लाइफ में जो इफेक्ट डालता है वो होता है रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी क्या है स्टूडेंट, इसको हम समझते हैं, एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आया करता है, व्हाट इज द रेंसिडिटी एंड गिव द मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग रेंसिडिटी, ठीक है। तो स्टूडेंट इसको अच्छे से समझना है ध्यान से, ठीक है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल, द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर इज नोन एज रेंसिडिटी, इट लीड्स टू बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट ऑफ फूड। रेंसिडिटी क्या है, यानी कि जब फैट्स, ठीक है, वसा और ओली जो तेलीय पदार्थ होते हैं, तेलीय पदार्थ जो जैसे हैं, जैसे वसा यानी कि जो तेल से खाद्य, तेल के खाद्य पदार्थ हैं, जैसे आपके चिप्स हो गए, ठीक है, आपके पिकल्स हो गए, ठीक है, इस तरह के ये जो सारी चीज़ें जो तेल से बनती हैं, ठीक है, यदि वो क्या हो एयर के कॉन्टैक्ट में आ जाएँ, ठीक है, तो क्या होता है उसमें एक बैड स्मेलिंग आनी शुरू हो जाती है और उसका टेस्ट भी बैड हो जाया करता है, ठीक है। तो ऐसी इस प्रोसेस को, इस ऑक्सीडेशन के इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं, ठीक है, कि जब कोई तेलीय खाद्य पदार्थ किसके संपर्क में आ जाता है, कॉन्टैक्ट में आ जाता है, किसके, एयर के, हवा के संपर्क में आ जाता है, तो उसमें एक बैड स्मेलिंग आनी शुरू होनी शुरू हो जाती है और उसका टेस्ट भी बैड हो जाया करता है। इस प्रोसेस को, इस ऑक्सीडेशन मेथड, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं, ये रेंसिडिटी है। अब रेंसिडिटीज को प्रिवेंट करने के मेथड्स क्या है वो आपको पढ़ने हैं, क्वेश्चन बहुत ज्यादा आया करता है एग्जाम में, ठीक है। फर्स्ट मेथड है इसका बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है, या तो उस जो ऑयल, ऑयल या फैटी सब्सटेंस है उसको हम क्या करें, उसमें एंटीऑक्सीडेंट ऐड करें, ठीक है, उससे रेंसिडिटी को हम रोक सकते हैं। नंबर टू मेथड है कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, या फिर उस फूड को हम एयर टाइट कंटेनर में रखें, ठीक है, ये मेथड होगा। और भी मेथड हो सकते हैं, ठीक है, जैसे जो आपके चिप्स वगैरह आते हैं उन पैकेट्स को नाइट्रोजन के साथ फिल किया जाता है, ठीक है, तो इस तरह से रेंसिडिटी को प्रिवेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर फर्स्ट, ठीक है, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, ठीक है। तो स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इसी तरह की और वीडियोज़ पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और सबसे पहले आप उन वीडियो को देख पाएँ, ठीक है स्टूडेंट। इस चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो में हम जो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं, तो बिल्कुल जुड़े रहिए इस निगुरुकुल स्टडी चैनल से और पाते रहिए हर एक अपडेट्स अपने रिलेटेड, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड की। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।